मुख्य अतिथि रही स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री व अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री। इस जनसभा को मंच से किया संबोधित। उनके द्वारा जितने भी कार्य कराए गए हैं उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया गया, लेकिन वहां पहुंचे कुछ छात्रों को अपनी बात ना करने दिया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें उस ग्राउंड से भगा दिया गया। प्रशासन और कार्यकर्ताओं ने उन सभी छात्रों को वहां से भगा दिया और उन्हें अपनी बात कहने का अवसर भी नहीं दिया गया, जिससे कि वह छात्र अपनी समस्याएं कर सके। जबकि मंच से ये भी कहा गया कि किसी भी छात्र के साथ गलत नहीं होगा, लेकिन वहां उपस्थित उन छात्रों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनसभा स्थल से उन सभी छात्रों को, जो कि कुछ हाथ में कागज पर लिखे हुए शब्दों को दिखाना चाहते थे लेकिन उन्हें दिखाने से मना कर दिया गया, और उनके लिखे हुए कागजों को उनके कार्यकर्ताओं ने फाड़ कर फेंक दिया। उन्होंने कहा होली और दीपावली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि सिलेंडर के दाम में भी कमी आएगी। सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया जरूर, लेकिन दाम में गिरावट देने का वादा नहीं किया गया, जो कि इस समय चरम पर है। उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। आज पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार होने वाले हैं, पर इस पर कोई चर्चा नहीं। फ्री में सिलेंडर दी जा रही है, इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन उनके दाम में कमी आए इसके बारे में नहीं कहा गया। 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व पूरे देश भर में दिया। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लाभार्थी है। 15 करोड़ लोगों को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिला। जो मदद की जिन्होंने, सेवा करने का काम किया जनता, उनको ही चुनेगी, फिर एक बार मोदी योगी जी को चुनेगी। अच्छा, ये कहना है सपा का, ये एक बार और भी कहना है कि हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे, पूरी फुल फ्लेज हमारी सरकार आ रही है, तो क्या लगता है आपको कि इस चरण में आप कितनी सीटें जीत पा रहे हैं? साइकिल लगी है नुमाइश में, अखिलेश नहीं आएंगे 22। वाह, महादेव अमेठी में जिन्होंने
राहुल गांधी को क्लीन बोल्ड किया। और ऐसा बोल्ड किया कि आज तक राहुल गांधी काफी यूपी में दिखे ही नहीं। भारत सरकार की माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय स्मृति ईरानी जी, युवा मोर्चा के समय से हमारे बहुत प्रिय मित्र और तेजा युवा नेता, यहां के भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय भाई राम सिंह जी, जिला के प्रभारी प्रदेश मंत्री आदरणीय श्रीमती रामिका चौधरी जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष काशी के आदमी दिलीप सिंह पटेल जी, ठीक है भैया तो बाहर चलिए, अपना दल के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अनिल सिंह पटेल जी, निषाद पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष भाई राजकुमार निषाद जी, जिला के प्रभारी यहाँ पर भाई विनोद सिंह जी, महामंत्री भाई हरिचंद्र सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी सत्य प्रकाश श्रीवास्तव जी यहाँ पर उपस्थित, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की बहन पूजा कपिल मिश्रा जी, हमारे नौ के प्रमुख भाई सेंद्र जी, भाई अनंत, गांव में ही प्रेम छिपा है। मैं आज जब एयरपोर्ट पर आदरणीय स्मृति जी के साथ यहां आने की तैयारी कर रहे थे तो संजय निषाद जी भी वहां पर आए, उन्होंने कहा हमारे